इतनी टेस्टी और फ्लफी, इसमें काफ़ी जाली है, आपको दिख रहा है बिना सांचे के बनाई गई। ये वेजिटेबल तड़का इडली है और इसे हमने सूजी और सिर्फ दही से बनाया है। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको सूजी की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताते हैं, जिसके लिए हमने 1.5 कप सूजी लिया है और फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा बटर मिल्क डालेंगे। अगर आपके पास दही हो तो आप दही 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए, उसके बाद पानी मिक्स कीजिए। मैं बटर मिल्क 1 ग्लास डाल दी थी और फिर थोड़ा सा और डाल रहे हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बैटर अच्छा तैयार हो। बैटर हमें गाढ़ा बनाना है, इसे रेगुलर हमें मिक्स करना है ताकि लम्स इसमें ना पड़े। जितनी ज़रूरत होगी उतना हम डाल देंगे। इसके बाद मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। हमने पंचफोरन लिया है, आप चाहे तो जीरा डाल सकते हैं। इसमें हमने घी डाला गरम पैन में। अब फिर इसमें हम थोड़ी सी मूंग दाल डाल देंगे, 2 से 3 चम्मच। थोड़े से करी पत्ते डालेंगे इसमें और मिर्चें। उसके बाद इसे अच्छे से हम भून लेंगे। गैस की स्विच मैंने ऑफ कर दिया है क्योंकि घी काफ़ी गर्म था। अब हम चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाले हैं ताकि इसमें स्वाद अमेजिंग सा आए। अब हम इस तड़के का आधा पोर्शन अभी डाल दे रहे हैं और आधा पोर्शन हम रख दे रहे हैं। ये बिना चटनी के भी आप इसे खा सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस है। और इसे हम जब मिक्स कर लेंगे उसके बाद वेजिटेबल्स जो भी आपके पास हो आप डाल सकते हैं, और इसका बैटर पहले जितना ज़रूरत है गाढ़ा उतना हम बना लेंगे। फिर से हम इसके अंदर बटर मिल्क यूज़ कर रहे हैं और अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार और इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। एक तरफ पैन रखा है, इसमें पानी डाला है। रेस्ट के बाद हम इसमें 2 गाजर चॉप किए हैं छोटी साइज़ की और थोड़ी सी हरी मिर्च, और उसके बाद फिर से हम तड़का डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसमें मैंने 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा भी डाल दिया है और चम्मच की सहायता से बिना सांचे के हम इसे थाली में बनाएंगे। थाली को पहले ग्रीस कर लेंगे घी से या मक्खन से चाहे तेल से। पैन में एक लिड डाल के पानी डाल के हम इसके ऊपर इडली रख दिए हैं थाली में, और ये इतना ज़्यादा फूलेगी बाद में, सारी इडलियाँ आपस में टच हो जाती हैं और बहुत ही प्लफी और हल्की होती है, ये अपने आप ही निकल जाती। देखिए इडली फटाफट तैयार हो गई, 2 से 3 मिनट में ये इडली बन जाती है। हाई फ्लेम पे आप ये इडली बना लीजिए, देखिए कितनी रवेदार बनी है। इसके एक एक रवे अलग हो जाते हैं क्योंकि जो हम बटर मिल्क के साथ बनाते हैं उसमें भी घी का अंश रहता है, और दूसरा हम जब तड़का डालें तो उसमें थोड़ी घी गई है, जिसके कारण देखिए इसके रवे भी बहुत अच्छे हुए हैं और इसका टेस्ट भी यूनिक है। इस रेसिपी को आप टिफ़िन में दे सकते हैं, बच्चों को सफ़र में ले जा सकते हैं और या ऐसे ही खा सकते हैं। अगर चाहें तो इसे चटनी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये इडली बनाने का तरीका बहुत पसंद आएगा। अगर मटर का सीज़न हो तो आप मटर डाल दीजिए, प्याज भी डाल सकते हैं, बिना प्याज का मैंने बनाया है। आपको ये रेसिपी पसंद आती है, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।